नमस्कार, क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही हो रहा है राम मंदिर और राम भूमि पूजन का विरोध? दरअसल 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर के प्रस्तावित भूमि पूजन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने वाले थे, अब उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने पहुंचे हैं साकेत गोखले। कौन है साकेत गोखले? ये तस्वीर देखिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साकेत गोखले की तस्वीर है जो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि उन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्यों में राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए शुरुआत की है। राहुल ने इन्हें खास मुलाकात के लिए 15 GRG मतलब कांग्रेस के स्पेशल हेडक्वार्टर पर बुलाने का काम भी किया था। ये तस्वीर देखिए, ये खास तस्वीर उनकी वहां की है। शायद ये कांग्रेस में अधिकृत पद पर ना हो, पर ये कांग्रेस के इशारे पर ही कांग्रेस के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये 40 या 50 याचिकाएं इन्होंने, शिकायतें इन्होंने दर्ज करवाई है और पेटिशन भी इन्होंने लगाने का काम किया है। और साकेत ने कभी भी RGF को मिले चीन से चंदे पर, PMNRF चंदे पर या नेशनल हेरल्ड में हुए गबन और घोटाले पर इन्होंने कभी याचिका नहीं लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि हर राजनीतिक दल के, हर संगठन के कुछ ऐसे हथियार होते हैं। पाकिस्तान भी कभी कभी ऐसा इस्तेमाल करता है। भारत पर जब हमला करना चाहता है पाकिस्तान, तो अपने सैनिक के अलावा कभी कभी वो आतंकवादियों को भी भेजता है, स्लीपर सेल भी भेजता है। वो ये नहीं मानता कि ये हम पाकिस्तान के इशारे पर करते हैं। आतंकवादी नहीं मानते कि हम ये इशारे उनके इशारे पर कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उन्हें ओन नहीं करता, पाकिस्तान भी नहीं कहता कि ये हमारे हैं। ये कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड है, स्व प्रेरित है, इंडिपेंडेंट है। कुछ कहते हैं, बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं ये सस्ता और टिकाऊ प्रशांत भूषण है कांग्रेस पार्टी का, साकेत के बारे में कहते हैं। बीजेपी कहती है कि किराए के सिपाही हैं और चाहते हैं, और कांग्रेस चाहे इनसे पल्ला झाड़ भी ले। क्या कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल से अपना पल्ला झाड़ सकती है क्या, जिन्होंने राम मंदिर को लटकाने, अटकाने और भटकाने की कोशिश की थी? क्या हुसैन दलवाई से पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या? क्या शशि थरूर, जिसने कहा था कि अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, क्या कांग्रेस पार्टी उनसे भी अपना पल्ला झाड़ सकती है क्या? या उस हलफनामे से जिसमें कहा गया था कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए गए थे, क्या उससे पल्ला झाड़ सकती है कांग्रेस पार्टी? दरअसल राम मंदिर विरोध का लंबा अध्याय है कांग्रेस पार्टी का, और आज हैशटैग इसीलिए हमने रखा है कांग्रेस ब्लॉक्स राम मंदिर। और सवाल इस डिबेट के समझिए, मैं आपको एक के बाद एक इस बहस के सवाल समझाना चाहता हूं। देखिए, हिंदुओं की आस्था से कांग्रेस बार बार खिलवाड़ क्यों कर रही है? क्या यह सीधे सीधे कांग्रेस की प्रायोजित याचिका नहीं थी? पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कहा जा सकता है इसे? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी के इशारे पर ही मंदिर पर भूमि पूजन पर जो रोक है लगवाने की कोशिश की जा रही थी? मतलब कहने को जन्युधारी, पर हिंदू विरोध लगातार जारी, यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, राम लल्ला के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस अब राम मंदिर का काम रुकवाना चाहती है क्या? मतलब राम भक्ति पर रोम भक्ति भारी पड़ चुकी है। चौथा सवाल, हिंदू आतंक, भगवा आतंक के शब्द गढ़ने वाले जो लोग हैं, क्या कांग्रेस के वोट बैंक के लिए मंदिर पर सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या हिंदू आस्था पर करेंगे चोट तभी मिलेगा वोट बैंक का वोट? ये चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, ईद और नमाज का करेंगे समर्थन लेकिन राम मंदिर और भूमि पूजन का विरोध करेंगे? देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस के जो विधायक है वो कहते हैं कि ईद नमाज होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, पर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन जो 500 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले देखें ये विस्तृत रिपोर्ट, कुलभास्कर ओझा की रिपोर्ट। क्या राम विरोध के मूवी और डायरेक्टर के रूप में, जो स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही है क्या? देखिए रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। के भूमि पूजन पर बवाल, बकरीद नमाज पर नहीं कोई सवाल। हिंदुओं से कांग्रेस का विश्वासघात, फिर राम मंदिर को अटकाने का अपराध। कांग्रेस हिंदुओं को क्यों भड़काए? राहुल क्यों मंदिर का काम रुकवाएं? कांग्रेस ने फिर से राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा लगाने की कोशिश की है।
इस बार ये कोशिश राहुल गांधी के करीबी पत्रकार साकेत गोखले ने की है। साकेत गोखले ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जनहित याचिका लिखकर शिकायत की है। याचिका में कोरोना की वजह से मंदिर के भूमि पूजन को रोकने की मांग की गई है। देखिए साकेत गोखले ने अपने जनहित याचिका में क्या लिखा है। भूमि पूजन कोरोना अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अनलॉक 2 नियमों के खिलाफ भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। भूमि पूजन के लिए यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। कोरोना की वजह से ही बकरीद पर सामूहिक नमाज की नहीं दी गई है इजाजत। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। ये जनहित याचिका लगाने वाले साकेत गोखले के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। साकेत गोखले की राहुल गांधी के साथ कई तस्वीरें हैं। साकेत गोखले राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं। साकेत गोखले खुद को बीजेपी विरोधी बताते हैं। साकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस जने उधारी बताती है और चुनाव के दौरान राहुल मंदिर का दौरा भी करते हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम पर कांग्रेस बार बार सवाल खड़े करती रही है। साकेत गोखले से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई भी भूमि पूजन पर सवाल उठा चुके हैं। साकेत गोखले, हुसैन दलवई तो केवल एक बड़ी विचारधारा का हिस्सा हैं। कांग्रेस की विचारधारा तो राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी है। राम सेतु के मामले में यूपीए सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि अच्छे हिंदू राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। वहीं विवादित बयानों के लिए बहुचर्चित दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि अयोध्या में मंदिर बने। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने तो कह दिया कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, राम किस में पैदा हुए बताना मुश्किल है। तो हर बयान राम विरोधी। कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता रोजाना कोई ना कोई राम विरोधी बयान देते ही रहते हैं। सारे सवाल बस एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए राम विरोधी बन चुकी है। वो भूल चुकी है कि देश को राम मंदिर का सियासी मुद्दा देने वाले राजीव गांधी ही थे, और आज खुद कांग्रेस पर यह मुद्दा भारी पड़ता जा रहा है। शायद इसीलिए कांग्रेस खुद सामने ना आकर अपने कथित नेताओं के जरिए अब ये सियासी खेल खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और कांग्रेस ब्लॉक राम मंदिर इस मुद्दे पर बहस करे उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर इसी मामले को लेकर हमारे पास आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि पूजन रोकने की याचिका खारिज कर दी है। देखिए साकेत गोखले की याचिका की सुनवाई की जरूरत नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है। राहुल के करीबी पत्रकार साकेत गोखले ने जो डाली थी याचिका, कोरोना की वजह से भूमि पूजन रद्द करने की अपील की थी, पर उसमें बकरी ईद के लिए नियमों का जो है तर्क दिया गया था, पर पूजन को रोकने की अपील की गई थी, सिर्फ भूमि पूजन को रोकने की अपील की गई थी। अब हाईकोर्ट ने उस याचिका को, एक तरीके से कांग्रेस की इस प्रायोजित याचिका को खारिज करने का काम कर दिया है। तो आइए कांग्रेस ब्लॉक्स राम मंदिर इस पर बहस शुरू करते हैं। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुदेश वर्मा जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं मेरे साथ
कांग्रेस के समर्थक कह सकते हैं, वैसे पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना नदीमुद्दीन जुड़ चुके हैं मेरे साथ, विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल वरिष्ठ नेता है, और मेरे साथ स्टूडियो में भी रजत राकेश टंडन है जो कांग्रेस की पूरी जानकारी रखते हैं। पहला सवाल चलिए मैं मेहमानों से कहूंगा कि मैं एक बार रजत राकेश टंडन से पूछना चाहता हूं, क्योंकि क्यों हम इसे कांग्रेस प्रायोजित याचिका कह रहे हैं? रजत, ये कहना गलत होगा क्या, ये जो तस्वीर बार बार हम चला रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये जो युवा खड़े हैं, ये तो 15 जीआरजी की ही तस्वीर है, हालांकि याचिका खारिज हो चुकी है, पर क्या इसको कांग्रेस इंटरेस्ट लिटिगेशन कहना गलत होगा मेरी तरफ से? देखिए, इसमें दो बातें हैं शहजाद। गोखले ने ये रखा है, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये वॉर रूम की है, इससे कोई गलत नहीं होगा। यूपीए शासन में कई ऐसे बिल्स थे जिस पर काम करना होता था, एनएसी की कई एडवाइसरीज थी, गोखले काम करते थे, और जो मेरी जानकारी है कि इनको इंट्रोड्यूस कराने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बैकडोर से काम करने वाले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश थे, उस समय वही इंचार्ज होते थे इन सब चीजों के, कि रिसर्च वर्क कैसे किया जाए, तो जयराम रमेश इनको लेकर आए थे, जयराम रमेश ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये कहना कि कांग्रेस में लोग गोखले को नहीं जानते हैं, कांग्रेस के साथ इन्होंने काम नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अब दूसरी बात, कांग्रेस का यह मानना है कि गोखले ऑफिशियल किसी भी पद पर कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस की कोई नीति ऐसी नहीं है, और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीते जो भी चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए अयोध्या, सबने मंदिर में दर्शन किया है, इसलिए विरोध का कोई स्वर होता ही नहीं है। कांग्रेस का शुरू से यह स्टैंड रहा अयोध्या पर कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उस कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी मानेगी। रजत, मैंने शुरुआत में मैंने भी ये बात मानी थी कि अधिकृत रूप से उनकी कोई पोजीशन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, पर इसीलिए तो पल्ला झाड़ने के लिए आसानी होती है, पर प्रेम कुमार पल्ला किस किस से झाड़ेगा? दिग्विजय सिंह से भी, हुसैन दलवाई से भी, उन्होंने तो खुलेआम कहा है ना कि ये नहीं होना चाहिए। सोमनाथ का तर्क भी दिया गया कि अगर जाएंगे तो प्रधानमंत्री सांप्रदायिक हो जाएंगे, और आप मुझे कहिए ना भूमि पूजन पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, क्या वो खुलेआम आकर समर्थन कर रही है प्रधानमंत्री के भूमि पूजन पर जाने का, राम मंदिर के भूमि पूजन करने का? सवाल यही है ना रजत, आज सवाल ये नहीं साकेत कौन है, सवाल ये है कांग्रेस पार्टी का भूमि पूजन पर स्टैंड क्या है प्रेम कुमार? देखिए, आपने सवाल शुरू किया पत्रकार गोखले से, जिसने कि जनहित याचिका दायर की, आप ही की तरह मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अदालत की चौखट में जाना, अब अदालत उस पर क्या रिएक्शन देती है वो आपके सामने है, लेकिन अदालत की चौखट में जाना इस बात की वजह बन जाए कि उसको डिफेम किया जाए, उसको हिंदू विरोधी बताया जाए, उसको कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के साथ तस्वीर दिखा करके, ये आप क्या कहना चाह रहे? अदालत की चौखट पे जाना क्या अपराध है? तो ये बड़ा सवाल है, तो अपना लीजिए, बोलिए कि हमारी याचिका आपकी दूसरे सवाल पर आते हैं, कह दीजिए कि हमारी याचिका है कि राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने का हमने प्रयत्न किया, फेल हो गया, अपना लेने और नहीं अपनाने की बात क्या है? सुदेश वर्मा अपनाते क्यों नहीं फिर? जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है कि नहीं? आप क्या उसको डिफेम करेंगे? प्रेम कुमार, अदालत को मानते हैं कि नहीं मानते? अदालत जाने को आप गलत बताएंगे? प्रेम ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा जर्नलिज्म? अच्छा, है प्रेम कुमार, कौन सी बात पूछ सकता हूँ? डांट न बंद कीजिए मुझे, और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड प्रेम कुमार से सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रेम कुमार, कोरोना केवल राम मंदिर के भूमि पूजन से ही फैलेगा, और राम मंदिर भूमि पूजन नहीं होगा तो कोरोना बच जाएगा, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक कहते हैं सार्वजनिक ईद नमाज कीजिए, ये इनके विधायक हैरिस कहते हैं, तो ईद नमाज का समर्थन करेंगे, ईद नमाज पे रोक लगाने के लिए कहीं पर नहीं जाएंगे, रोक लगाएंगे तो राम मंदिर भूमि पूजन पर, तो आइए ना खुलेआम आकर ये स्टैंड लीजिए, साकेत से क्यों करवाते हैं? देखिए शहजाद जी, शासकीय निर्णय जो होता है पूरे देश में एक साथ एक जैसा होता है। सवाल तो इस बात पर भी उठेंगे कि जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कोरोना काल में किसी सार्वजनिक उत्सव में कितने लोग उठ सकते हैं बैठ सकते हैं, वो स्वतंत्रता दिवस समारोह पे लागू होगा कि नहीं होगा, गणतंत्र दिवस पर होगा कि नहीं होगा, राम जन्मभूमि शिलान्यास पर होगा कि नहीं होगा, ईद बकरीद पर होगा कि नहीं होगा, तमाम चीजों पर शासकीय निर्णय की कसौटी पर उसको कसा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को इजाजत दी जाएगी दूसरे को नहीं दी जाएगी। सुदेश वर्मा, प्रेम कुमार कह रहे हैं राम मंदिर भूमि पूजन टाल दो, कोरोना जो है निपट जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो कोरोना जो है समाप्त हो जाएगा।
देखिए शहजाद भाई, एक और करारा समाचार शब्द मेरे नाम से मत कहिए प्लीज। अरे सुन लीजिए भाई, क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? देखिए करारा समाचार इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पड़ा है कांग्रेस के साजिश पर। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि ये कोई याचिका डायल करेंगे तो कोर्ट स्टे दे देगी। आप ये बात बताइए, कांग्रेस ने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर अपनी आस्था ही नहीं रखी? इनका एफिडेविट है 2007 का जो कहता है कि भगवान श्री राम की स्तुति नहीं करते थे। सुदेश जी बताइए, कांग्रेस ने किस घोषणा पत्र में ऐसा कह दिया? अरे भैया डिबेट किस बैठक में ऐसा कह दिया? अरे डिबेट में आप एक तरफा गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं सुदेश वर्मा जी? इसलिए कि वो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है। मैं आपको राजनीतिक आरोप लगाइए। कांग्रेस ने इस तरह से डिफेंड क्यों कर रहे हैं भगवान श्री राम की आस्था पर? धर्म से लेके आप राजनीति करते हैं कारण। अरे यार चुप तो कराइए सजाद भाई, इनको कैसे प्रेम कुमार बोलने दीजिए प्लीज। एक मिनट सुदेश शर्मा, कि आप अपने एफिडेविट में इन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी की क्या अवस्था है आपको अपने पता है? का क्या मतलब है, गलत बोलने देंगे क्या शहजाद जी इनको? प्रेम कुमार की आदमी है वो, आस्था तो अंदर से आती है ना, लेकिन अगर आस्था नहीं भी हो तो भगवान श्री राम इनके पूर्वज है तो वो उनके पूर्वज का मंदिर बन रहा है, कोर्ट के द्वारा परमिशन के बाद बन रहा है। इसमें तो इतनी आस्था है तो कम से कम शंकराचार्य जी की बात मान लेते। 2014 में तो देखना था एसपी विनोद बंसल एंड एक सेकंड विनोद बंसल एंड मौलाना नदीम एक सेकंड। अब मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है, एक सेकंड राजनीतिक मेहमानों से कहूंगा एक मिनट का ब्रेक ले ले। मैं विनोद बंसल सुदेश सेकंड विनोद बंसल एंड नदीमुद्दीन मौलाना नदीमुद्दीन। पहले विनोद बंसल आपसे सवाल है, लंबा इतिहास रहा है ना हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा था, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, कपिल सिब्बल ही कोर्ट चले गए थे कि भाई इस मामले को टाल दिया जाए, मणिशंकर अय्यर का कहना कि कौन से कमरे में पैदा हुए राम जी, शशि थरूर का कहना, तो ये लंबा इतिहास है ना। एक तरफ तो कहते हैं कि हम जनयुधारी, दूसरी तरफ हिंदू विरोध जारी, दोनों कैसे हो सकते हैं? देखिए श्री राम जन्मभूमि के इस मुकदमे में पुरानी बातें छोड़ भी दें तो अभी पिछले 6 महीने के और जो साल भर के अंदर हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से हमने देखा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग तक लगा दिया और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये साउटिंग ब्रिगेड है, जिस साउटिंग ब्रिगेड ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि किसी भी तरह से इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताएं, देखिए 17 से लेकर के 19 तक लगातार 2 साल तक इन्होंने पूरा का पूरा लवाजमा लग गया इनका कांग्रेस का, लेकिन प्रभु राम की कृपा थी और हमारे देश की न्याय व्यवस्था की एक सुदृढ़ता थी जिसके कारण जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड इसको भी बिल्कुल नकार दिया सरकार उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बाकायदा टाइम बाउंड रह करके निर्णय दिया। देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो रामद्रोही थे, रामद्रोही हैं और रामद्रोही रहेंगे। कब तक? जब तक एंटोनी माइनो जो है इनकी प्रेसिडेंट बनी रहेगी, जो विदेशियों का वर्चस्व इनके ऊपर रहेगा, जिस पार्टी की स्थापना किसी विदेशी ने की हो और जिस पार्टी का वर्तमान प्रेसिडेंट भी विदेशी हो तो उस पार्टी से स्वदेश की कल्पना और स्वदेशी भगवान श्री राम की कल्पना करना तो मुझे लगता है कोरी बात है। हाँ अगर आप वेटिकन सिटी की बात करो, जीसस क्राइस्ट की बात करो, पोप जॉन पॉल की बात करो, धर्मांतरण की बात करो तो इनमें ये अग्रणी मिलेंगे आपको। कहीं भी लगता है चर्च के बारे में कुछ होता है तो तुरंत आगे बढ़ेंगे ये, जो जो व्यक्ति खुद बैप्टाइज हो रखा हो पोप जॉन पॉल आकर के खुद उसको करके गया तो वो अगर जनेऊ दिखाए कुछ भी दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ राम जी का मंदिर है वो पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, किसी भी मतपंथ संप्रदाय के लिए उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि सबके पूर्वज राम है। विदेशी आने के बाद में कुछ भी उनका विदेशियों के साथ कुछ संसर्ग रहा हो अलग बात है, लेकिन चाहे मौलाना हो या कोई संत महात्मा हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, हर एक के पूर्वज राम है और राम इस देश की संस्कृति है। ठीक है, राम विनोद बंसल है, विनोद बंसल और मौलाना नदीमुद्दीन संविधान के प्रथम पृष्ठ पर है। ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन, मुझे एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस फैसला आ गया अब कोई विवाद नहीं बचा तो खामखा एक विवाद खड़ा करना, खामखा वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स करना, यही है ना आपका फलसफा? यही है कि हिंदू पर करो चोट, मुस्लिम वोट बैंक का लो वोट, यही फलसफा है और इसके तहत ही काम हो रहा है, अभी भी कोशिश हो रही है।
बिल्कुल ये बिल्कुल एड़ी चोटी का दम लगाने में लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। श्री राम सबके ऑडियो नहीं है, इसकी नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी तरफ नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, मौलाना नदीमुद्दीन, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, उसको मैं ठीक करवा कर आ रहा हूँ। पर इफ्रा जहाँ मुझे बताइए ना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ही इस तरीके की याचिकाएं लगाई जाती है। ईद की नमाज की बात कर रहे हैं, ठीक है विनोद बंसल, अब दूसरे साइड का भी पक्ष लेने दीजिए। इफ्रा जहाँ, क्या इस देश में एक मंडली नहीं है? इफ्रा जहाँ हमारे साथ है? चलिए मौलाना नदीमुद्दीन, आपकी अगर आवाज ठीक कर दी गई हो तो मुझे मौलाना नदीमुद्दीन की राय चाहिए इस मुद्दे पर। मेरी आवाज ठीक है, सुनिए जी। श्री राम सत्य पूर्वज नहीं है, सैयदना आदम सत्य पूर्वज है, एक बात। दूसरी बात यह है कि COVID-19 का क्या ये उल्लंघन नहीं है? 300 लोग राम भूमि पूजन करेंगे और इसकी नमाज पर आप पाबंदी लगाएंगे, ये दुगला रवैया क्यों है? आप एक तरफ कह रहे हैं इसकी नमाज नहीं मत पढ़ो, क्या ईद की नमाज पढ़ने से करुणा आएगा? भूमि पूजन से करुणा नहीं आएगा? ये सरासर ये सरासर बदमाशी है, सरकार की बदमाशी है। देखिए पूजन में कर रही है और ईद में बहुत अंतर है। मैं कहता हूँ हमने एक कार्यक्रम के लिए परमिशन ली है और वापस स्वयं प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। एक छोटे से कार्यक्रम से कोई कोरोना नहीं फैलने वाला है। हिंदू समाज का इतिहास है, राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में 16.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया, सारे के सारे डिसिप्लिन रहे, सारे सारे डिसिप्लिन रहे। अरे पढ़ लो भाई, कौन मना करता है? नमाज पढ़ने के लिए मना थोड़ी करता है, नमाज पढ़ने के लिए देश मना नहीं करता। लेकिन कोरोना नहीं फैलाओगे, कोरोना साथ वाला काम मत करिए। जो कोरोना साधना मरकज से कहा था कि आप जो है ये मस्जिद के माध्यम से मस्जिदों को रोक करके कोरोना से डरा करके मुसलमानों को नमाज से अलग कर रहे हैं। कोरोना साथी बोल रहे कुमार, मुसलमानों की देखिए इस्लामिक जिहादियों को उकसाने का काम आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए घातक है, आपके लिए भी घातक है। सबसे ज्यादा मौतें मुसलमानों की हुई है, पता है आपको? और आप जैसे लोगों के कारण मरे हैं वो, आप जैसे लोगों के कारण मुसलमानों की मौत हुई है। और सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण जो है मुस्लिम बस्तियों में है और सबसे ज्यादा फैलाने वाले वही है। ये जो कोरोना साथ है, कोरोना साथ आज भी मुसलमान बस्तियों में छुपा हुआ है। एक सेकंड क्या कर रहे हैं वो? आखिरकार वो जो मस्जिदों में से मदरसों में से वो जो विनोद बंसल जी, एक मिनट इफ्रा जहाँ हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है, एक सेकंड क्यों नहीं सामने आते? ठीक है विनोद बंसल, एक सेकंड, मैं माफी के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार इफ्रा जहाँ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है मोदी ट्रंप, एक सेकंड इफ्रा जहाँ मेरा सवाल आप समझने की कोशिश कीजिए। इस देश में एक विशेष मंडली है, दिवाली के समय, एक सेकंड विनोद बंसल प्लीज, आप विनोद बंसल मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। इफ्रा जहां एक देश में विशेष मंडली है, दिवाली के समय जाकर पेटिशन लग जाती है, पॉल्यूशन होता है, क्रैकर मत बजाइए, होली के समय पानी की चिंता पैदा हो जाती है, पर बकरी ईद के समय कोई पेटिशन नहीं लगती, गणेश उत्सव के समय गाइडलाइन आ जाती है, जन्माष्टमी के समय पता चल जाता है कि ये भाई इस तरीके से नहीं करना, उस तरीके से नहीं करना है। अब राम मंदिर भूमि पूजन से आपको लगता है कोरोना फैल जाएगा, पर कर्नाटका के विधायकों को ईद मनानी है, कांग्रेस के कर्नाटका के विधायकों को, तब वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा। अशोक गहलोत फेयरमाउंट होटल में विधायकों के साथ बैठे हैं सरकार बचाने के लिए, वहां से कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना फैलेगा तो सिर्फ राम मंदिर भूमि पूजन से, ये कैसा तर्क है इस मंडली का? माफ कीजिएगा शहजाद भाई, थोड़ा लेट ज्वाइन किया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से किया। आपको पता है भाजपा ने इंटरनेट बंद करके रखा है, बात काफी दिक्कत होती है। अब बात आती है आपके सवाल की, विक्टिम कार्ड और एजेंडा हमेशा तैयार। जी नहीं, आपको पता है कि नहीं, लोगों को दर्शकों को पता तो होना चाहिए कि क्यों नहीं आ पाई इफ्रा। तो सवाल ये है कि जब तबलीगी करें तो FIR, जब संघ कर रहे तो चमत्कार। आपका यही कहने का मतलब है, जब आप लोगों ने तबलीगियों को, जब लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, आपने 10-10 FIR लगा दी तबलीगियों पे, उन्होंने साथ में रहे। आप तबलीग जमात और राम मंदिर की तुलना कर रही हैं भाई? कोरोना जब फैलता है ना, वो नहीं देखता है हिंदू है या मुसलमान है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा अपमान किया जा सकता है श्री राम का, या RSS से। अपहरण क्या है इसमें?
क्या कोरोना जब देखेगा वो ये कहेगा कि मैं संघ के मेंबर से नहीं मिल सकता हूँ? भाई क्या आप ये कह सकते हैं जो श्री राम के भक्त है उनको कोरोना नहीं हो जाता? भाई आप लोगों को क्यों उकसा रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? सवाल ये है कि अभी हमारे देश में महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, एक दिन में 50,000 कोरोना के केस आ रहे हैं, क्या आप ऐसा रिस्क लेने को तैयार है? हमारे देश की जनरेशन का रिस्क लेने को तैयार है? हमारे बच्चों की बर्बाद करने को तैयार है आप लोग? सुदेश मेरा काउंटर है। पहली बात तो सज्जाद भाई, इन्होंने अपने एजेंडा डालने का प्रयास किया कश्मीर के बारे में, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ये कैसे आ रही है पर इंटरनेट से कोई आ रही है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, सच बोला। दूसरी बात ये एक करके बात रखते हैं ना, एक एक करके बात रखते हैं प्लीज। वो कनेक्शन तो हमारे घर से भी होता है, वो चिंता छोड़ दीजिए। अब सुनिए क्या देश में है जी, बोलिए सुदेश, ओनली सुदेश। सुदेश वर्मा को बोलने का मौका दिया जाए, प्रेम कुमार को स्क्रीन पर लाइए। क्या कट में लोग इंफॉर्मेशन में नहीं जाते, क्या शादी के लिए परमिशन नहीं ले रहे लोग, क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहे? वन ऑफ इवेंट है, वन ऑफ इवेंट जो परमिशन के बाद किया जा रहा है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन होगा, पावर पर भी रोक लगा है, पावर पर भी रोक लगा है। अरे भाई मरकज वालों को समझाइए ना ये बात, मरकज वालों को समझाइए, ये बात अपने आप को समझाइए, ये बात अपने आप को समझाइए। मैंने नहीं बोला, आपकी समझ है, ये आपकी समझ है, मैंने नहीं बोला, ये आपकी समझ है, आपकी समझ का मेरे आज मेरी छुट्टी जी, आपकी समझ का दे रहे हैं। मैंने ये बोला चावल पर भी रोक है, चावल पर भी रोक है, बाकी रिलीजियस फंक्शन पर भी रोक है, ये एक्सेप्शन फंक्शन है, स्पेशल परमिशन के साथ हो रहा है, तो उसे नॉन मेंटेन होगा, तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? पर प्रेम कुमार, प्रेम कुमार एंड विनोद बंसल, एक सेकंड, प्रेम कुमार एंड विनोद बंसल, मैं तमाम मेहमानों से कहूंगा कोऑपरेट कीजिए। देखिए हम इंटरनेट लाइन से कनेक्शन जोड़ते हैं, आप एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। प्रेम कुमार एंड विनोद बंसल, एक सेकंड, बाकियों की आवाज डाउन कीजिए। विनोद बंसल जी, अगर एक सेकंड, विनोद बंसल इंटरनेट लाइन से बोल रही है, ये जरा पहले पूछ लो, आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ इनसे ये पूछो, पाकिस्तानी इंटरनेट लाइन से बोल रही है, भारतीय इंटरनेट लाइन इनकी? ठीक है, अब मुझे व्यक्तिगत डिबेट में नहीं जाना, मुझे इंटरनेट लाइन पर चर्चा नहीं करनी है, मुझे सवाल आपसे ये पूछना है विनोद बंसल। अगर ये कहा जाता है कि भाई हमने ताले खुलवाए, हमसे बड़ा हिंदू नहीं, हम कौल ब्राह्मण है, हम शिव भक्त है, हम जनयू कोट पे पहनने वाले हिंदू है, तो ये सिर्फ चुनावों के लिए था क्या? अगर नहीं है तो आज आकर पोजीशन क्यों नहीं लेते प्रेम कुमार? क्यों नहीं कहते कि भूमि पूजन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हम समर्थन कर रहे हैं? विनोद बंसल फिर प्रेम कुमार, क्या कैसे अब शहजाद जी एक करके उससे भी बड़ा कोई है कि उसको बोलना पड़ेगा? प्रेम कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से दूर लेके जा रहा है राम मंदिर का, कांग्रेस का जो गर्त करने वाले लोग यही है जो के कहते कुछ हो रहा, करते कुछ हो रहा। आप देखिए ये प्रेम कुमार उद्धव मन में राम बगल में छुरी, विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा है राजस्थान में, हिंदू समाज को कोरोना है, हिंदू समाज को दूसरी तरह के लिए विनोद बंसल के बाद प्रेम कुमार, विनोद बंसल के बाद एक एक करके बोलेंगे और एक एक करके बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसकी आवाज, जिसके नाम को मैं लेता हूँ उसी के आवाज को ऊपर कीजिए प्लीज, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। आज इंटरनेट और फोन की लाइन बड़ी खराब चल रही है, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। विनोद बंसल बोलेंगे, उसके बाद प्रेम कुमार बोलेंगे, अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा। जी विनोद बंसल, फिर उसके बाद प्रेम कुमार जी। देखिए मैं कहता हूं ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा रहा है कि कथनी और करनी का अंतर हो, हम देखें कुछ और करें कुछ, और ये जो सब प्रोजेक्शन की राजनीति है इनकी। आप देखिए जिसका जिसका जो प्रमुख है वो विदेशी मानसिकता का हो, विदेशी ओरिजिन का हो, वो आखिरकार भारत के बारे में कैसे सोच सकता है? प्रेम कुमार एक बात, दूसरी बात ये ठीक है, राम को ये मानते नहीं, करने दीजिए, भगवान कृष्ण को ये मानते नहीं, और ये आपकी घटिया सोच है, ये आपकी घटिया सोच है, क्या उम्मीद करोगे आप? ये देखिए, आप आइए हिंदुस्तान की राजनीति पर बात कीजिए,
एक तरफ राजस्थान में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है कोरोना बोल करके, दूसरी तरफ 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख रखी जा रही है। मुझे क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आपने कश्मीर में धारा 370 का विलोपन किया था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, एक सेकंड। संदेश देना है, ठीक है, राम मंदिर का नहीं। ओके प्रेम कुमार, प्रेम कुमार आप भी है ना, प्रेम कुमार एक बात बार बार रिपीट करते हैं, अच्छी डिबेटिंग नहीं होती। एक सेकंड रुक जाइए, आप 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, हेडलाइन दिखाकर लौट कर आ रहा हूँ। मैं अपने पीसीआर से भी कहूंगा सबकी ऑडियो लाइंस ठीक कराए, और पीसीआर से यह भी कहूंगा कि हेडलाइंस के बाद तुरंत डिबेट में जब लौट कर आएंगे तब हम पूछेंगे कि कोरोना सिर्फ राम जन्मभूमि के भूमि पूजन से ही फैलेगा, बाकी भी तस्वीरें दिखाऊंगा, ईद की नमाज से नहीं फैलेगा, फेयरमाउंट होटल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उससे कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ राम लल्ला जिनको 500 साल बाद उनका स्थान मिल रहा है तभी कोरोना का बहाना याद आया, या कोरोना बहाना है राम पर निशाना? इस सवाल का जवाब लेंगे 30 सेकंड के बाद, हेडलाइंस देखने के बाद लौट कर आइए तुरंत, हैशटैग है। पर सवाल यह है कि कोरोना का आधार देकर जो याचिका दायर की गई थी राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के ऊपर रोक लगाने के लिए, अब मैं सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं, विजुअल्स देखिए, ये अशोक गहलोत के और उनके विधायकों की तस्वीरें देखिए, शोले देख रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, फेयरमाउंट होटल में है, देखिए सब साथ में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं सकते, सरकार गिर जाएगी इतना डिस्टेंस करेंगे तो, आप देख सकते हैं मास्क नहीं पहना है, मास्क दिखाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, चेहरा दिखाना जरूरी है, समर्थन दिखाना जरूरी है, तो राजस्थान के फेयरमाउंट होटल में देखिए कोरोना ने, दरअसल कोरोना राजस्थान की सीमाओं के बाहर है, देश में राजस्थान में कोरोना फैल रहा है पर राजस्थान में नहीं फैल रहा है, राजस्थान सुरक्षित है कोरोना से, तो इसीलिए इस तरीके से कोरोना की तमाम जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये तमाम अशोक गहलोत के समर्थक विधायक बैठे हैं, शोले देख रहे हैं और सरकार बचा रहे हैं। अब मेरा सवाल है ये है, इफ्रा जहां से सवाल ले लेता हूं, इफ्रा जहां, साकेत गोखले जो आपके दोस्त है, आप ही की तरह है, मतलब बाहर से समर्थन देते हैं कांग्रेस का प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, इसके खिलाफ कोई याचिका क्यों नहीं आई, आपकी मंडली को इसकी चिंता क्यों नहीं है कि इससे भी फैल सकता है कोरोना? इफ्रा जहां बताइए मुझे। जी ये ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि भाई उससे हो सकता है इससे भी होगा, जब वो मरने दे रहे हैं तो हम भी मारेंगे, ये कैसा सवाल है, ये बोलने के वो कत्ल कर रहे हैं हम भी कत्ल करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। आप एक डेमोक्रेसी में बैठे हैं जहां लोगों की जानों की कदर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो स्कूल भी खोल देते हैं, स्कूल खोल देते हैं आप बोल दीजिए, जब फेयरमाउंट होटल में बैठे हैं, राम मंदिर वाले पूजा करा रहे हैं, सब जिसको जो मर्जी कर रहे हैं, स्कूल खोल देते हैं, आतंकवादियों की संस्कृति है, कर रहे हैं आप ये शहजादाई। जिहादियों की संस्कृति है, रामद्रोहियों की संस्कृति है, पाकिस्तान से आए थे, पहलू खान की भीड़ हत्या करने वाले, पहलू खान को छोड़िए, अरे वो मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर जो आतंकवादी संगठन बने हैं वो किस लिए बनाए, उन्होंने बनाए, आखिरकार जैसे मोहम्मद किसके नाम पर बनाए, आप मुझे बताइए ना, कश्मीर घाटी के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक क्यों नहीं कहा जाता, आखिरकार कश्मीर घाटियों से हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, गौरक्षा पर नहीं है। एक सेकंड, मैं डिबेट को फिर से मुद्दे पर लाना चाहता हूँ, एक सेकंड, रजत राकेश टंडन और प्रेम कुमार, एक सेकंड, सुदेश वर्मा भी जुड़ चुके फिर से, पर रजत एक सेकंड प्लीज, मैं सबकी आवाज बंद करा रहा हूँ, सिर्फ रजत राकेश टंडन और प्रेम कुमार की आवाज सुनाई देगी, आज मुश्किल है लाइंस में, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। रजत राकेश टंडन, मेरा सवाल दरअसल किस बात पर है, कोरोना केवल बहाना है, राम मंदिर और हिंदुओं पर निशाना है, क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये तर्क देता हूं? क्योंकि पुराना इतिहास देखिए ना, आप ईद नमाज का समर्थन करना चाहते हैं, आप तमाम दूसरी चीजों पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाते हैं, दर्ज होती है आपकी आपत्ति तो सिर्फ राम मंदिर को लेकर बार बार। प्रेम कुमार जी से मेरा सीधा सवाल यही है, जब गुजरात के चुनाव थे प्रेम कुमार जी, तो हमने देखा एक जितने भी मंदिर थे, मैं खुद कवर कर रहा था राहुल गांधी को वहां पे, वो सारे मंदिर जा रहे थे, उसके बाद हमने देखा वो कैलाश मानसरोवर यात्रा गए,
उसके बाद जब वो वहां दर्शन करने गए तो एक जनेऊधारी का उनको एक बड़ा टैग कांग्रेस पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। एग्रीड है, आदमी की अपनी आस्था हो सकती है, किसी भी धर्म में हो सकती है, कैसे वो पूजा करता है नहीं करता है, कहां जाता है, ये उसका निजता का मामला, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। मेरा ये कहना है कि जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी कई ऐसे पर्व आए, कई ऐसे त्यौहार आए, जब हमें अपेक्षा थी कि राहुल गांधी शायद किसी मंदिर जाएंगे तो हम भी उनको जाएंगे कवर करने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बात, राहुल गांधी ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, लगातार सुबह से शाम तक बड़ी चीज़ों पर वो लिखते हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, और देश के तमाम इशू पर लिखते हैं। राम मंदिर पर राहुल गांधी ने हमेशा ये स्टैंड लिया, जब वो अयोध्या भी गए तो उन्होंने ये बात कही कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हनुमानगढ़ी मंदिर से दर्शन करके, जब भी चाहे वो हो प्रियंका हो, हमेशा ये कहते थे कि जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। आज फैसला आ चुका है, 5 तारीख को वो है। कई राजनीतिक दल ने, कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, कहा है कि हमें बुलाना चाहिए। प्रेम कुमार जी, दो चीज बिल्कुल जुड़ी हुई है कि उसके गुजरात चुनाव के बाद मंदिर क्यों नहीं गए, और क्या आज इतना बड़ा उत्सव वहां हो रहा है, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां जाएंगे या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को या समर्थन कर दे? तो प्रेम कुमार चुनावी हिंदू है पहली बात, और दूसरी बात समर्थन क्यों नहीं करते? अगर इस शिकायत इस याचिका के साथ नहीं है तो समर्थन कीजिए। सवाल देखिए, ये प्रश्न आ गया, जी जी प्रश्न आ गया। देखिए, राहुल गांधी जो 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 धार्मिक रूप से जो उनकी मौजूदगी रही, जो उनकी आस्था है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, और ये प्रश्न जो आप राहुल गांधी से कर रहे हैं, ये प्रश्न कई लोगों से किए जा सकते हैं। आप राहुल गांधी का जवाब दीजिए ना, है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो आंख बंद कर लेने के बाद ही कैमरे को ऑन करने के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो कितनी जगह मंदिरों में गए, ये भी सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, भूमि पूजन हो रहा है, कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग वहां पूजा करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? दो ही सवाल है। अब इसमें आप कहिए कि साहब उसकी उसकी क्या बात थी, उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब दीजिए इसका। मैं बता रहा हूं, देखिए ये राम मंदिर बनने, पूजा होने, सब आयोजन के पक्ष में रही है कांग्रेस पार्टी, कभी विरोध का एक शब्द भी कोई नहीं दिखा सकता। मगर अभी 5 अगस्त को जो आयोजन हो रहा है सुदेश वर्मा, शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं जाएंगे, इसका इल मोटिव है कि 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2020 जोड़ करके एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। ये राम हिंदुओं को जोड़ना, पूरी सृष्टि को जोड़ने के प्रतीक हैं। इन राम का इस्तेमाल समाज को तोड़ने के लिए ये करने की कोशिश हो रही है। ये 5 अगस्त की तारीख, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप तक एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हम जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और सच्चा हिंदू नहीं हो प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप सीधे सीधे बोलिए इस बात, अगस्त क्रांति मनाने का अवसर नहीं देगा राम मंदिर के निर्माण को। ठीक है सुदेश, हमने तो कभी विरोध किया ही नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया, ये भूल गए, हुसैन दलवाई भूल गए, शरद पवार भूल गए, दिग्विजय सिंह भूल गए। सुदेश जी, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि गेस्ट कौन होगा, गेस्ट लिस्ट के बारे में काफी चर्चा हो रही है, क्या कांग्रेस को, सपा को, बसपा को बुलाया जाएगा वहां? सुदेश देखिए, मैं चाहता हूँ मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा रखा है आपके पैनलिस्ट ने, उसका जवाब दर्शकों तक जाना चाहिए, कि तो भ्रम फैलेगा। देखिए, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग, चाहे वो कावर हो, चाहे वो नमाज ऑफर करना हो, चाहे वो ईद हो, वो बैन है सबके लिए, हिंदू मुसलमान का तफरका नहीं है। ये एक स्पेशल ओकेजन है जिसमें पूरा सोशल नॉर्म को फॉलो किया जाएगा। कोरोना नहीं फैल सकता अगर सोशल नॉर्म को आप फॉलो करेंगे। मिश्रा जी ने कहा कि स्कूल क्यों नहीं खोलते, वहां आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, कॉलेजेस में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसे धार्मिक गैदरिंग में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां कर पाएंगे, क्योंकि यहां लोगों की गैदरिंग नहीं हो रही है, वहां सिर्फ न्यू रखा जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन अगर नहीं होगा तो आप ये बात रेज करिएगा, ये बात आपकी सही होगी। गहलोत साहब से प्रश्न पूछिए, क्या उन्होंने सोशल गैदरिंग नॉर्म का पालन किया? आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, आप नहीं करेंगे। बाकियों की आवाज डाउन प्लीज, मौलाना नदीमुद्दीन, मौलाना की आवाज आ पा रही है,
नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन, जिस मामले पर अब विवाद खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, यूनानिमस फैसला है, अब आपको लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक इस तरीके की कोशिश करते हैं, अब उस कोशिश को आप जैसे लोगों को आकर खारिज करना चाहिए, अब तो बन जाना चाहिए रामलला का भव्य राम मंदिर? बोलिए एक बार सर कि ये तमाम कोशिशें फेल कर देनी चाहिए, आपको आना चाहिए आगे, हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म कीजिए। क्यों आए बाबरी मस्जिद के मलबे पे आप राम मंदिर बना रहे? विनोद बंसल, क्यों आएंगे? विनोद बंसल, हम क्यों आएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया पर अभी भी बाबर भक्ति नहीं थमी। विनोद बंसल, अरे कहां मलबा, मलबा तो गया, मलबा तो राम भक्त उठा लेंगे सारे सारे। वो बाबर का मलबा जो है बाबरी के पास पहुंचा दिया, वो बाबर का मलबा जो बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी ने बनाया था, वो मलबा तो राम भक्त उठा के ले गए, वो तो सरयुग नदी में बह गया, उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। आप कम से कम देश के लिए रोइए, अरे वो विदेशी के लिए मत रोइए, मस्जिद गिरा करके संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को कम से कम, और आप जैसे विदेशी आक्रमणकारी के साथ जोड़कर महाराज आप मत करिए। सभी सभी भारतीय जो है भगवान राम के वंशज हैं और राम सवाल जी के द्वारा ही कल्याण सवाल नहीं है। तमाम मेहमानों से कहना चाहूंगा, एक सेकंड, तमाम मेहमानों से धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे पास आज समय बस इतना ही है। कांग्रेस ब्लॉक्स राम मंदिर फिर से 70 साल लटकाने अटकाने भटकाने के बाद अगर फिर से कोशिश ये की जाएगी कि कोरोना का बहाना देकर अगर राम मंदिर के निर्माण में फिर से रोड ब्लॉक पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि एक तरफ हिंदू विरोध भी जारी और राहुल गांधी अपने आप को कहेंगे जन्युधारी। आज के लिए बस इतना ही समय था पर आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए आज की हेडलाइन।